अंदर खराबी हो कि सिद्दीक का प्यार नहीं आता, जब अंदर खराबी हो ना फिर उमर का प्यार नहीं आता, जब अंदर खराबी हो ना फिर उस्मान का प्यार नहीं आता। मैं कहता हूं खुदा की कसम सुनियो, तुम नाज करो अपने ऊपर, नाज करो। और यार वो देखो ना किस तरह बकवास करते हैं, हमने रज़ी अल्लाह ताला नो नहीं लिखना, हमने रज़ी अल्लाह ताला नो नहीं लिखना। ना कहीं इसी तरह मर जाओगे, क्योंकि सदीक अकबर का जो गुस्ताख है तौबा भी नसीब नहीं होती, उम्र फारूक का जो गुस्ताख है तौबा भी नसीब नहीं होती। और मरते वक्त शक्लें बताती है, जिंदीद जा रहा है, मुनाफिक जा रहा है। और खुदा की कसम सुन्नियों के ये जनाजे उलमा के उठे हैं, आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी होगी, हमारे बुजुर्गों के चेहरों ने दिखाया कि मुस्तफा के गुलामों का जनाजा जा रहा है। चेहरे देखो जरा, चेहरे देखो आप, चेहरों का तबाद। मैं कहता हूं क्या तुमने मुकाबले करने हैं, तुम्हारी शक्लें हैं, तुम कलाम करो। वे जिनको मुस्तफा ने अपने साथ लिटाया है, अजीब तमाश भी नहीं है। जब तक मैंने पहले कहा, जब तक खून का आखिरी कतरा इस नाजुक वजूद के अंदर मौजूद है, खुदा की कसम हजरत सदीक अकबर से लेकर हजरत मीर मुआविया तक नबी के हर सहाबी पर कलाम करेंगे, उनकी अजमतें बयान करेंगे, उनकी शानें बयान करेंगे। क्योंकि हम तक दीन इन बेदीनों की वजह से नहीं पहुंचा, मुस्तफा के सहाबा की कुर्बानियों की वजह से पहुंचा। बदर में तुम लड़े थे जाके, अबू बकर लड़ा था, उमर था, हैदरे करार थे, हैदरे करार पे जान कुर्बान है। हाँ मैं कहता हूँ वो तो मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं जिसके दिल के अंदर अली का प्यार नहीं। लेकिन ये है, अली वहां पर होता है जहां पे अबू बकर होता है।